क्या ब्राह्मण मुस्लिम और दलित का फॉर्मूला फिर कर पाएगी बसपा? आखिर बसपा क्यों चल रही है 2007 वाला दाव? ब्रजभूषण के गढ़ में को क्या भेद पाएंगे नरेंद्र? क्या राहुल को दे पाएंगे नन्हे सिंह चौहान कड़ी टक्कर? बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इसमें 6 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। केसरगंज सीट पर बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, साथ ही आजमगढ़ सीट पर बसपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। गुरुवार को जारी लिस्ट में बसपा के इस लिस्ट में केसरगंज, डुमरियागंज, गोंडा, संत कबीर नगर, बाराबांकी और आजमगढ़ सीट से प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में है। बसपा ने केसरगंज सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए नरेंद्र पांडे को उतारा है। आजमगढ़ में प्रत्याशी बदलकर मशहूद अहमद को उम्मीदवार घोषित किया है। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ और बाराबांकी से शिव कुमार दोहरे को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि बसपा ने आजमगढ़ सीट से तीसरी बार प्रत्याशी बदला है। सबसे पहले इस सीट से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मैदान में उतारा गया था, लेकिन बाद में उन्हें सलेमपुर सीट से टिकट दिया गया। इसके बाद बसपा ने आजमगढ़ सीट से शबीहा अंसारी को टिकट दिया था। अब उनकी जगह उनके पति मशहूद अहमद को बसपा ने टिकट दिया है। बसपा ने इस लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरों पर दाव लगाया है, 2 ब्राह्मण को टिकट दिया है, 1 आरक्षित सीट पर अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। बसपा की ओर से उम्मीदवारों की ये 11वीं सूची है। इससे पहले 10 सूची जारी की गई है। अब तक बसपा 75 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। इससे पहले 29 अप्रैल को बसपा ने यूपी की 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। इस लिस्ट में पार्टी ने अमेठी, प्रतापगढ़ और झांसी के उम्मीदवार घोषित किए। अमेठी से नन्हे सिंह चौहान, प्रतापगढ़ में प्रथमेश मिश्रा और झांसी में रवि प्रकाश कुशवा को उम्मीदवार बनाया गया। नामांकन से पहले पार्टी ने अमेठी से उम्मीदवार बदला था। एक दिन पहले 28 अप्रैल को ही अमेठी सीट पर रवि प्रकाश मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया। वो अयोध्या से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनकी जगह पर अब नन्हे सिंह चौहान पार्टी के प्रत्याशी होंगे।